अक्ष जो है वीपी से 30 का कोण बनाता है अपने आधार के सहारे, इस प्रकार एचपी पर इस प्रकार पड़ा है कि इसका अक्ष जो है वो वीपी से 30 का कोण बनाता है। अर्थात यदि वीपी से कोण बना रहा है तो इसका मतलब कि 100% जो है ये वीपी से झुका हुआ है ना, इस तरीके से झुका हुआ होगा वीपी से, ये इस तरीके से झुका हुआ है वीपी से। तो ऐसी कंडीशन में जिस प्लेन से झुके मैंने भी बताया था आपको, उसी प्लेन के लंबवत मान लेंगे, तो आप इसको क्या करोगे, सीधा मान लोगे। मैं आपको यहाँ पर सर्कल के रूप में इसलिए बता रहा हूँ, सर्कल के रूप में आपको अच्छा समझ में आएगा, सर्कल के जगह आपको जो दिया है वो हेक्सागोनल आधार दिया है। देखो इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है कि नहीं, 30 के एंगल पर झुका था जिसको मैंने क्या किया, सीधा कर दिया, सीधा कर दिया। क्यों किया, क्योंकि नियम यही बोलता है सॉलिड का कि जिस प्लेन से दिया झुका हुआ दिया जाए उसी प्लेन के लंबवत या परपेंडिकुलर उसको मानकर बना लिया जाता है। तो आपको इसको इसके लंबवत मानेंगे। अब आप फ्रंट से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा इसमें, सर्कल। अब यहाँ सर्कल के जगह हमको क्या दिया है, हेक्सागोनल प्लेन दिया है। हेक्सागोनल प्लेन मतलब आपका इस तरीके का प्लेन है हेक्सागोनल, इसका इसका जो तल है वो आपका कैसा दिया है, हेक्सागोनल तल दिया है। तो आपको हेक्सागोनल तल दिखेगा है ना, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ऊपर हेक्सागोनल बनेगा, मतलब आपका जो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर कुछ इस तरीके से आकृति दिख रही है अपने को, दिख रही है नहीं दिख रही, और बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपको कहाँ से दिखेगा, बचा हुआ पोर्शन जब लाओगे आप तो टॉप से दिखेगा, टॉप से आपका ये इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा ना। तो ठीक ऐसे कैसे हमको यहाँ पर बनाना है, क्या दिया था कि इसका आधार जो है या इसका अक्ष जो है वो वीपी से कितने का कोण बना रहा है, 30 का कोण। तो वीपी से 30 का कोण मतलब वीपी से झुका हुआ, मतलब उसको मैंने सीधा कर दिया वीपी के, वीपी से सीधा किया। तो फ्रंट से देखने पर आपको क्या दिखा, ये आधार दिखा, और टॉप से देखने पर आपको क्या दिखा, तो ये वाला ट्राइंगल दिखा। तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा इसमें, फ्रंट व्यू। जिस प्लेन से आधार दिखे सबसे पहले हम आधार बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू सबसे पहले बनाना है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू, अब आपको यहाँ पर ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है उधर से देखने पर, इसका मतलब आपको यहाँ पर कितने कितने के एंगल पर, 30-30 के एंगल पर कितना दिया है, 20-20 mm भुजा दी है। तो 30-30 के एंगल पर 20-20 mm की भुजा लेनी है, फिर 90 के एंगल पर 20 mm लेंगे, इधर से इसको 90 के एंगल पर 20 mm लेंगे, फिर इधर से इसको मिला देंगे, इधर से इसको मिला देंगे, इस तरीके से आपका हेक्सागोनल बन जाएगा। फिर 1-2 cm स्पेस छोड़ के अपन क्या करेंगे, नीचे एक लाइन खींच देंगे, और इसके प्रत्येक पॉइंट को अपन क्या करेंगे, इस तरीके से नीचे लाएंगे। फिर यहाँ से जो है अपने को इस तरीके से इनके सारे पॉइंट को अपन नीचे उतार देंगे अनलिमिटेड। फिर 1.5 cm या 2 cm लगभग स्पेस छोड़ दो यहाँ से, और फिर इसका अक्ष कितना दिया है, 60 mm या 65 जो भी दिया है। तो अपन इस तरीके से इसका अक्ष ले लेंगे, उतना जितना लंबा दिया है उतना लंबा। फिर इसको यहाँ से ऐसा, और इसको रख के इधर मिला देंगे, इसको इधर मिला देंगे। अब आपका ये कितना हो गया, 65 दिया है, तो ये आपका 6500 कर दोगे आप इस तरीके से। और इसका ये जो दिया है कितना दिया है, 20 दिया है, तो 20 mm आपको ये करना है शो। अब आपका जो है एंगल कहाँ से बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था अभी इसके पहले क्वेश्चन में क्या, कि यदि इसका एक बार ट्राइंगल वाला भाग यदि नीचे बन जाए तो एंगल भी हम कहाँ से लेंगे, नीचे से लेंगे। तो इसमें 1-2 cm लगभग स्पेस छोड़ दो, ये अंदाज से छोड़ते, इसमें डायमेंशन आपने की जरूरत नहीं है। और 30 के एंगल पर अनलिमिटेड लाइन खींच देंगे अपन इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इसका जो अक्ष है कितना है, 65 mm है, और इसका आधार जितना भी निकलेगा उसको आपको स्केल से नापना है। इसका आधार जितना भी निकलेगा उसको स्केल से नापेंगे, उसमें 2 का भाग देंगे, और आधा इधर और आधा इधर 90 के एंगल पर रख लेंगे। यहाँ पर आपको 90 के एंगल पर ये वाली भुजा को रखना है, और फिर ये वाला अक्ष कितना दिया है, 65। तो आपको ये वाला अक्ष जो है 65 mm इस तरीके से ले लेना है, और इससे इसको मिला दीजिए, और इससे इसको मिला देना है इस तरीके से। आप इसको मिला देंगे, इसके बाद में इसके प्रत्येक पॉइंट को अपने क्या करना है, अनलिमिटेड ऊपर ले जाना है, प्रत्येक लाइनों को अपने को अनलिमिटेड ऊपर ले जाना है इस तरीके से। और इस हेक्सागोनल के ये वाले भाग को यहाँ तक लाना है। अब हेक्सागोनल में सेंटर कैसे मिलता है, तो यदि आप इसके कटान बिंदु को मिला दोगे तो आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। इस सेंटर लाइन को अपने को ले जाना है लास्ट तक, ठीक है।
अब आप यहाँ देखोगे कि इसके समानांतर लाइन ये है, इसके समानांतर लाइन आपको यहाँ से डॉटेड बनानी है क्योंकि अंदर का भाग बना रहे हैं हम। ये इसके समानांतर लाइन ये हो गई आपकी सीधी, ठीक। फिर इसके समानांतर लाइन आप यहाँ से खींच दोगे, इसके समानांतर लाइन आपकी यहाँ से ये डॉटेड आएगी और यहाँ से इसको डॉटेड रूप में मिला दोगे। और आप देखोगे कि इसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का ये वाला पॉइंट और इधर से इसका सेंटर कहाँ मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है वहाँ इसको अपन ऐसे मिला देते हैं। ये डॉटेड वाले भाग से डॉटेड ही ले जाना लाइन, इसमें कभी एक जैसे लाइन मत ले जाना। यहाँ से इसको मिला दीजिए और यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देंगे तो ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ इसको नाम दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से नाम दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर भी इसके पॉइंट के अनुसार, अब चूंकि इसमें फ्रंट व्यू कौन सा, ये वाला है, तो यहाँ क्या लगेगा, डैश, है ना, इनके साथ डैश लगाएंगे और इनके साथ डैश अपन नहीं लगाते, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके नाम दे देना है, ये 3 और 4 है आपका तो 3, 4, ये 6 और 1 है तो 6, 1। अब ये 6, 1 कहाँ गया, ये यहाँ पर गया 6 days और 1 day, यहाँ एक बार देंगे सिंगल डैश में, यहाँ 2 days, 5 days और यहाँ 3 days, 4 days, ये आपका ओ डे। और यहाँ पर जो आएगा ये आपका आएगा 2 double days, 5 double days और यहाँ पर मैंने बताया था कि ये 4 वाला पॉइंट आप इधर आ जाता है और ये पलट जाता है, ये हो जाएगा 6 days अंदर की ओर, ये आपका 1 था तो ये 1 day से इधर की ओर हो जाएगा और आपका 3 days इधर बाहर की ओर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका आ जाएगा ओ डबल डेज। अंत में आपको यहाँ पर लिखना है प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, प्रोजेक्शन ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, इस तरीके से आपको यहाँ पर नामांकन करना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ ले, क्वेश्चन में दिया था हमें कि एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसकी आधार भुजा 20 mm और अक्ष 65 mm लंबा है, अपने आधार के सहारे HP पर इस प्रकार पड़ा है कि इसका अक्ष VP से 30 का कोण बनाता है, मतलब VP से ऐसा झुका हुआ था, हमने उसको सीधा रखा, सीधा रखने पे जब हम इधर से देखेंगे उसको फ्रंट से तो आपका बेस दिखाई दिया, तो मैंने पहले बेस बना लिया, बचा हुआ पोर्शन जो है आपका जो ट्राइंगल वाला पोर्शन है वो यहाँ पर सीधा बन जाएगा। 30 का एंगल आप यहाँ नीचे से लोगे तो आपको इस तरीके से यहाँ से 30 का एंगल लेना है, फिर आपका ये जो आधार है इस आधार को आधा ऊपर और आधा नीचे ये सेंटर पॉइंट निकाल के रख दोगे, यहाँ से अक्ष जो है 65 लेकर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, इन पॉइंट को ले जाएंगे ऊपर और इन पॉइंट को ले जाएंगे इस तरीके से सामने और अंत में यहाँ पर आपको एक हेक्सागोनल आकृति प्राप्त होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you for watching.